हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक सोच काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी बोला कि जो आईटी में जैसे होता है, जैसे मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मेरी सबसे मेन जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। मेरा 90% टाइम प्रॉब्लम ढूंढने में होता है और 10% टाइम होता है जो उसका सोल्यूशन होता है, क्योंकि सोल्यूशन हमें पता ही होता है ऑलमोस्ट। अब आईटी में क्या होता है कि आउटसोर्सिंग होती है, कि आपके जो सोर्स कोड है आपको फ्री में पड़ा होगा, आपको उसको जोड़ के एक चीज बनानी होती है। ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में या फिर दुनिया में सब आइडियाज पड़े हुए हैं, अब इंसान के हाथ में है कि वो उसके साथ क्या क्या अटैच करके क्या बनाना चाहता है, वो उसके हाथ में है। आपने ना अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, मैं उसको थोड़ा सा बिल्ड करता हूँ। आपने बात करी है टेक स्पेस में क्या होता है, दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब क्या होता है, जहां पे या तो सैस मॉडल चलता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज प्रोडक्ट, कि आपने वो ले लिया, इंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम्स पे, उसके लिए लाइसेंस ले लिया और अब आप उसको यूज कर रहे हैं। ज्यादातर पहले के टाइम में यही चलता था, बट आज की डेट में क्या हो रहा है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं वो ज्यादातर क्या है, ओपन सोर्स है। मतलब क्या कि वो एक खुली हुई लाइब्रेरी की तरह है, वो ओपन फॉर ऑल है, उसमें से जो चाहे आदमी पिक कर सकता है और जो चाहे क्रिएट कर सकता है। तो अगर किसी इंसान में एक्चुअल में दिमाग है तो वो क्या करेगा, रिलीजन को भी देखेगा ओपन सोर्स की तरह। मतलब क्या, ये एक रिलीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। वर्ल्ड में अगर देखो तो बहुत सारे रिलीजन्स है, मान लो 100 है, तो उन 100 रिलीजन्स की अलग अलग बुक्स उठाएगा, हर रिलीजन की एक एक जो मेन बुक है उस रिलीजन की, और ढूंढेगा उस सब में कॉमन क्या है, तो वो उन सारे रिलीजन्स के सच तक पहुंच सकता है, वो समझ सकता है कि ये सारे रिलीजन्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रिलीजियस है। आप समझ गए मेरी बात। जैसे अगर टेक स्पेस की बात करें जाए तो एक्सपर्ट कौन है, वो जो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में मास्टर है, उसके बाहर उसको कुछ नहीं पता है, और जिस दिन वो ऑब्सोल्यूट हो गई तो उसको पता ही नहीं है मैं और क्या करूं, या फिर वो जो किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हुआ है और डेली कुछ नया सीख रहा है और डेली अपग्रेड होता चला जा रहा है। क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी उसमें कुछ भी ऐड कर सकता है और दूसरी तरफ से कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी होता चला जा रहा है, यानी वो और बेटर होता चला जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो जो बग्स आ रहे हैं उसको भी फिक्स किया जा रहा है अगले वर्जन में, उसको इंप्रूव किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है, तो जो अगला वर्जन है वो पिछले वाले से बेटर आ रहा है। तो एक्चुअल में असली रिलीजन का मतलब यही है, असली जो रिलीजियस इंसान होगा ना, वो रिलीजियस होगा ही नहीं, वो क्या करेगा, इन सारे रिलीजन्स में से जो काम का है उसको निकाल लेगा, यानी कि जो कॉमन है उसको निकाल लेगा और अपने पास में रख लेगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कर देगा, और जो कॉमन नहीं है उस सबको छोड़ देगा। और जो क्लोज होता है, जैसे अब आपने जैसे बोला कि दो होते हैं, ओपन और क्लोज होता है, जो क्लोज में एक्सपर्ट होता है वो, उसकी हमेशा कंप्लेन ये रहती है कि ओपन क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो हम ये करते आए हुए हैं अभी तक, अभी ये कहते हैं तो ये गलत होगा। जैसे इंटरनेट आया था तब, जब कंप्यूटर्स आए थे तो प्रॉब्लम उनकी भी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो जिसमें वो एक्सपर्ट थे टाइपराइटिंग में, जो वो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि नई कंप्यूटर नहीं लेके आने चाहिए, या फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है पुराने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो नई को कंप्लेन करता रहता है, वो दूसरे का जो हो रहा है चेंज उसको भी रोकते हैं कि नहीं तू क्यों हो रहा है, तू भी रुक जा। बेसिकली देखो, ये जो चेंज है ना, या ये जो शिफ्ट है, ये इनएविटेबल है। जैसे जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता चला जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन करेगा, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। क्वेश्चनिंग ही तो हमको जानवरों से अलग करती है, नहीं तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है। तो जैसे जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, यानी क्वेश्चनिंग करता चला जाएगा, तो रिलीजन जो है वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होता चला जाएगा। धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, समझदार होता चला जाएगा, क्वेश्चनिंग करता चला जाएगा, तो उस सब में एक्चुअल में वो खुद को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में, उसकी आइडेंटिफिकेशन ही टूट जाएगी। क्वेश्चनिंग का यही फायदा होता है, अगर कोई एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। अब वो खुद को क्या कहेगा कि मैं ये हूं या वो हूं, क्योंकि ध्यान से समझो ना कि अगर कोई इंसान 20 जगह से सीख गया है, 20 अलग अलग रिलीजन से सीख गया है, अब वो क्या कहेगा, मैं किस रिलीजन का हिस्सा हूं।
इन 20 को मिला करके उसका एक नाम दो, अगर कोई नाम है तो कोई नाम ही नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा खुद को अननेसेसरी किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ या एक ग्रुप के साथ या एक कम्युनिटी के साथ। वो बेसिकली इंसान कैसा होगा, ही इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल बीइंग, नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर। उसकी ये आइडेंटिफिकेशन तक टूट जाएगी जैसे जैसे इंसान समझदार होता चला जाएगा। वो डीपली इंक्वायरी करेगा, वो समझेगा कि ह्यूमन बीइंग में और जानवरों में ये जो हम फर्क करते हैं वहां पे भी कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली वी आर अ बीइंग, वी आर लाइक ऑल अदर बीइंग्स एंड ऑल अदर बीइंग्स आर लाइक अस।